हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। अब बज चुके रात के 9 और 9 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। बहुत लेट मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। गई थी गुरुजी के सत्संग में और आपने देखा होगा कल वाला ब्लॉग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज ना मुझे बहुत सारे इन्विटेशन आ रहे गुरुजी के सत्संग के, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी मुझे बुला रहे हैं उनके सत्संग में। तो मैं बहुत दिन से चाहती थी मैं गुरुजी के सत्संग जाऊँ, तो मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो चुकी हूँ और मैं गुरु जी के सत्संग के लिए जा रही हूँ। तो मैं कल भी गई थी गुरु जी के सत्संग में और मैंने वहाँ से एक गुरु जी का स्वरूप लेके आई। मुझे एक स्वरूप मिला है और साथ में ही मुझे एक दवाई मिली है और जल प्रसाद भी मिला है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, अभी गुरु जी का मुझे फ्रेम भी करना है। तो कल ही मैं लेके आई हूँ, तो मैं अभी उसका फ्रेम भी करूँगी। यहाँ पे देखो गाइस, ये है गुरु जी का स्वरूप जो मुझे मिला हुआ है। ये गुरु जी है व्हाइट चोले में और उनका यहाँ पे मंदिर है। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये फोटो के नीचे लिखा हुआ है। और ये जो दवाई जिसमें पेट में दर्द या गैस्ट्रिक की किसी को भी इशू है, तो ये वो दवाई है। ऑनलाइन में मिलती है, आगरा में भी मिलती है, तो ये बहुत अच्छा दवाई काम करती है गुरु जी की। और यहाँ पे जो जल प्रसाद था मुझे कल सत्संग में मिला था, वो है गुरु जी का दवाई। तो ये मैं संभाल के रखती हूँ, मैं लेके आती हूँ एक्स्ट्रा बॉटल एक दो, तो जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं ये गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी कोई गैस की प्रॉब्लम होती है तो ये मुझे वो ये मैं उनको दे देती हूँ। तो मैं अभी जा रही थी नीचे, मैं आज कोई सत्संग में नहीं गई हूँ, मुझे जाना है नीचे मार्केट में। आज मार्केट में मुझे कुछ सामान लेना है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, वाले कपड़े से ना मुझे चुभना शुरू होता है। तो मैं अंदर से एक कॉटन वाले कपड़े पहनती हूँ और ऊपर से जैकेट पहनूंगी। तो चलो गाइस अभी चलते हैं, मुझे पहनना पहले जैकेट पहन लेती हूँ। सभी हमने ठंडी वाले कपड़े कोई निकाले नहीं, मुझे ठंडी वाले कपड़े भी निकालने हैं। तो एक ही मैंने जैकेट निकाला हुआ है, यही जो आपने बहुत सारे वीडियोस में मेरा देखा होगा ना जैकेट ऑरेंज कलर का, तो इसी को पहन के मैं जाऊँगी। चलो इसको फटाफट पहनती हूँ फिर चलते हैं मार्केट में। मैंने ये जैकेट पहन लिया है, ठंड बहुत है, तो चलते एक थैला भी ले लेती हूँ। आते जाते जाते मुझे डीमार्ट भी जाना है, कुछ सामान लेना है। वो यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया है, बैग ले लिया है। डीमार्ट जाएंगे तो सामान बहुत हो जाता है, तो बहुत सारे थैले लेने पड़ते हैं, तो मैं एक ही अपने घर से लेके जा रही हूँ। नीचे मार्केट में भी कुछ लेना है, तो यहाँ पे मैंने शूज़ पहन लिए है और उलन वाली पैंट पहनी और जैकेट, क्योंकि ठंड बहुत है, तो ठंड से बचने के लिए पैंट और शूज़ पहन लिए थे। नहीं तो मार्केट जाते समय मैं इतना शूज़ वगैरह पहन के नहीं जाती, क्योंकि मार्केट नीचे ही है और बाहर लगी है मार्केट। तो ये देखो अभी पूरी मार्केट नहीं लगती है, थोड़ी थोड़ी सी मार्केट लगती है, पहले बड़ी लगती थी अब नहीं बड़ी लगती है। तो अभी चलो चलते हैं, लिफ्ट अभी आ रही है, लिफ्ट रुकी अभी 8th फ्लोर पे। और आपके शहर में ठंडी बढ़ गई क्या? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। तो चलो अभी चलते हैं नीचे, फिर मैं आ रखी हूँ नीचे, तो चलते हैं और दिखाती हूँ अभी मार्केट में कितनी लगी हमारे सोसाइटी में मार्केट। देखो कितना सुंदर लग रहे हैं ना प्लांट्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मार्केट है आज, तो चलते हैं। पहले बहुत बड़ी लगती थी, अभी छोटी मार्केट लगती है। और ठंड है तो सारे लोग अभी आपको शॉल और जैकेट्स वगैरह में दिखेंगे, क्योंकि अभी हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। ये है मार्केट, पहले मार्केट का काम करूँगी उसके बाद हम चलेंगे डी मार्ट। तो अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे मार्केट में और बहुत ज़्यादा रश है। तो एक जगह पे जाए थे, देखो कितने सुंदर सुंदर चूड़ियाँ आई यहाँ पे। देखो फेस्टिवल ख़त्म हो गए लेकिन चूड़ियाँ अभी है, तो अच्छे लग रहे थे चूड़ियाँ वहाँ पे। यहाँ पे हर टाइम हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, ठंडी है तो ठंडी वाले कपड़े आ चुके हैं। ये देखो वुलन के कपड़े आना शुरू हो चुका है क्योंकि ठंड आ चुकी है। यहाँ देखो बच्चों के खिलौने, तो चलो अभी पहले मार्केट का काम करते हैं। मिलते गमले कितने अच्छे लगे, देखो ये चूड़े में कलर, येलो कलर का भी चूड़ा आया है, रेड वाला, मल्टी कलर वाला भी है। देखो बहुत सुंदर सुंदर चूड़े आए हैं अभी, तो बहुत अच्छे कलर के चूड़े भी आए हैं, देखो अलग अलग कलर्स के। तो मैं
के पास में डी मार्ट है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम देखो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम अभी है डी मार्ट के बाहर और अभी आपको दिखेगा डी मार्ट। ये देखिए डी मार्ट है, तो चलो अभी चलते हैं, दिखाती हूँ आपको वीडियो में आगे। एंजॉय कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। तो चलो जो सामान लेना फटाफट लेते हैं, यहाँ शूट करना अलाउड नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं डी मार्ट में, देखते भी हमें अंदर एंट्री मिलती है क्या नहीं मिलती, क्योंकि हम बज चुके हैं 9:20 और अभी हम भी है डी मार्ट के बाहर। तो अभी चलते हैं और देखते भी हमें अंदर एंट्री मिलेगी क्या, क्योंकि लेट हो जाता है तो अंदर एंट्री नहीं है, देखते हैं अभी। अरे यार यहाँ से ट्रॉली मैंने लिया है, ट्रॉली ले लो, ट्रॉली में भूल गई, अपने हस्बैंड को बोलते ट्रॉली लेने के लिए, और चलते हैं। बहुत भर चुका है यहाँ राशन लोगों ने, यहाँ पे भी खाली बैग लो, अभी रुको एक बैग में रख दो ये बैग, अरे यहाँ पे मैंने बैग रख दिया है, अभी चलते हैं। लगा आने तक डी मार्ट बंद हो जाएगा, लेकिन डी मार्ट ओपन है और मैंने सामान ले लिया है। अब बज चुके 9:30 भी हमने सामान ले लिया है, तो चलो अभी चलते हैं घर पे और यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग को एंड। मिलते कल नए ब्लॉग में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।